संसदीय क्षेत्र के सागर सांसद राज बहादुर सिंह दांगी ने विधायक उमाकांत शर्मा के साथ सभी विभाग के कर्मचारियों की समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें कोरोना से संबंधित जानकारियां मांगी और कोरोना वायरस ने के लिए क्या तैयारियां हैं। सिरोंज तहसील में सागर संसदीय क्षेत्र के सांसद राज बहादुर सिंह की अध्यक्षता में BRC भवन में बैठक आयोजित की, जिसमें सिरोंज लटेरी विधानसभा के विधायक उमाकांत शर्मा, अनुविभागीय अधिकारी श्रीमती अंजलि शाह, पुलिस SDOP अजीत पटेल और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर अभिषेक उपाध्याय, परियोजना अधिकारी अनिल चौधरी, नगरपालिका CMO रमाशंकर शर्मा बैठक में शामिल हुए। बैठक को संबोधित करते हुए सांसद राज बहादुर सिंह ने अधिकारियों से सिरोंज क्षेत्र में कोरोना महामारी से बचाव के लिए की गई तैयारियां और उसके बचाव के लिए किए जा रहे प्रयासों को लेकर चर्चा की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों से साफ साफ कहा कोरोना को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। सभी अधिकारियों को कोरोना गाइडलाइन के अनुरूप पालन करते हुए अपना और अपने सिरोंज क्षेत्र के सभी रहवासियों का विशेष रूप से ख्याल रखना है। आए दिन क्षेत्र में हो रही कोरोना से मरीजों की मौत का मन बहुत व्यथित है, इसलिए मेरा सभी नगरवासियों से विनम्र अनुरोध है, कोरोना से बचाव के लिए निरंतर मास्क पहने, उचित दूरी बनाएं, ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता हो इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों को निरंतर इस पर ध्यान रखना होगा। विधायक उमाकांत शर्मा ने अधिकारियों से कोरोना वायरस जानकारी मांगी तो संबंधित अधिकारी कोरोना की संतोषजनक जानकारी उपलब्ध नहीं करा पाए। जब सिरोंज जनपद CEO शोभित त्रिपाठी से कोरोना से संबंधित मौतों के बारे में पूछा तो जनपद CEO को जानकारी नहीं दे पाए। विधायक शर्मा ने बताया अभी नरखेड़ा में 40-45 साल के एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हो चुकी, जनपद CEO को समझाइश दी आप जानकारी अपडेट करते या करिए, आप जानकारी अपडेट कर एक लिखित कॉपी प्रमाणित कर मेरे पास भेज दें। सर इसके लिए हम लोग ने GRF जैसे ग्रामीण स्तर पर है और वार्ड वाइज क्योंकि हम लोग लगा रहे हैं, वो जो पंजीयन होना पोर्टल पे वो पूरा लिंक भी दी हुई है, तो वो पंजीयन होना शुरू हो जाएगा, तो वो हमारे लिए भी अच्छा रहेगा कहाँ कितना पंजीयन हुआ तो उस हिसाब से अपना वैक्सीनेशन सेंटर। कल शुक्रवार को नहीं था, या परसों कल था और गुरुवार शुक्रवार को कुल कितने हो गए? चाहे बाहर से जांच हुई हो, चाहे गुना में इलाज चल रहा हो, चाहे भोपाल में, सागर में, विदिशा में, कहीं भी, और अगर कहीं दुर्भाग्यपूर्ण देहावसान हुआ है तो उसकी भी हम जानकारी, ये सबको ताबीज किया जाए। अभी मेडिकल होना तो भी नहीं जमा कर सकता, एक तारे का वितरण क्या काफ़ी टाइम हो गया, जो रेगुलर हम मॉनिटर कर रहे हैं सभी मतलब नॉर्मल स्टेबल कंडीशन में, कोई ऐसा कुछ ये हमारा नॉर्मल मतलब पेशेंट के लिए टोटल कितनी हुई डेथ कोरोना से अभी हमारी जानकारी गलत नरखेड़ा में श्रीवास्तव जी गुजरे तो नहीं आपकी जानकारी कोरोना से गुजरे नहीं हो रही तो ये कहीं ना कहीं मतभेद है, जानकारी की त्रुटि है तो गलत काम है। नरखेड़ा जागीर में श्रीवास्तव जी 40-50 साल की आयु के होंगे, उनका कल परसों देहांत हुआ। नहीं रुक तो नहीं रहे, मैं चाहता हूँ कल दौरा करूँगा, कल दौरा करूँगा, देखूंगा कितनी पंचायतों में वहाँ भी आप कहाँ दिखा सकते हो, नहीं अभी कहाँ दिखा सकते हो, कोविड सेंटर हाँ, आप मुगल चलाना दिखा सकता हूँ, पकड़िया दिखा सकता हूँ, और रास्ते में भी लड़के राजस्व और जनपद दोनों मिलकर चौकीदार पटवारी और सचिव फायर सेक्रेटरी की ड्यूटी लगाएं, अपने यहाँ अगर कोई संदिग्ध पॉजिटिव है भाग गया है तो उसका भी पता करें, नाम दें, उससे पूछें, कंफर्म करें कहाँ इलाज चल रहा है, और अगर कोई पॉजिटिव हो गया तो उसकी जानकारी दें। मतलब 284 अपने टोटल जो पॉजिटिव निकले 180 सक्रिय 102 ठीक हुए।
और शहर में सक्रिय कितनी है? शहर में सक्रिय है सर 134। ये बड़ी संख्या है ना, शहर में या गाँव में? पेशेंट बिलिंग नहीं करते, तो ये अपनी तरफ से और ये टीम बना दो नॉर्मल नॉर्मल नहीं है डांट नहीं है तो बोल रहे हैं बाहर से आए घर में कुछ कोविड आपने क्वारंटाइन घर में करते हैं उनके परिवार को भी तो मैं और जो उनको बचाव करना है उनके लिए बात कर रहे हैं तो कोविड जितने टेस्ट के बारे में उनको बोल रहे हैं बचाव तो ये सो सरकार की ये बैठक नहीं थी कि इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ें कुछ हुई। ये एक नियमित जो हमारे कोरोना को लेके जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में चिंता है, इस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुखिया शिवराज जी इस प्रकार से पूरे चिंतित हैं इस बात को लेके कि हमारे प्रदेश में, हमारे देश में कोरोना की जिस प्रकार से केसेस बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से कैजुअलिटी बढ़ रही है, हम लोग जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोगों का ये दायित्व बनता है कि हम लोग अपने अपने क्षेत्र में जाके जो भी व्यवस्थाएं प्रशासनिक स्तर पर हो रही है, एक बड़ी समस्या आ रही है ऑक्सीजन की, एक समस्या आ रही है संसाधनों की, कई जगह बेड उपलब्ध नहीं है, कई जगह आपके वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं है, तो इन सब चीज़ों से बैठ के आयोजित होने से चीज़ें निकल के आती हैं। और आज हम लोग सब यहाँ बैठे थे, सभी अधिकारी थे, माननीय विधायक जी थे, और हम लोगों ने जो जो चीज़ें यहाँ पे ठीक करा दी जाएगी और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे एक नियमित एम्बुलेंस की व्यवस्था हो। सर जिस तरह विधायक जी ने वो सीओ साहब की जानकारी को गलत बताया, तो सीओ साहब कोई प्रतिदिन देंगे आप कर रहे थे क्या? सीओ साहब ने कहा था कि कोई मृत्यु नहीं हुई अभी तक गाँव में, विधायक साहब ने झूठ बताया कि मृत्यु हुई? झूठ नहीं बताया, कई जगह क्या होते हैं कि आंकड़े बराबर नीचे तक आ नहीं पाते, अलग अलग भर्ती हैं, क्योंकि ये चार पांच जगह की व्यवस्था है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की व्यवस्था है, पंचायत लेवल की व्यवस्था है, भोपाल, अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं, तो कई जगह सामंजस्य की कमी रहती है। और हम लोगों के आने का केवल बात यही होता है कि ये जो मिसकम्युनिकेशन है, आपस में बातचीत नहीं हो पा रही है, कोई अलग अलग विभाग अलग अलग काम कर रहे हैं, तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है, गलत जानकारी नहीं दी है, मिसकम्युनिकेशन था वो बात को। उनका अपना काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम है, हम लोग अपना काम। खबर भारतवर्ष के लिए सिरोंज विदिशा से रवि विश्वकर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।